मुझे ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, मुझे आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता, आवाज के सिवा कुछ दिखता नहीं, तो तो वेलकम आवाज टू। के सिवा तो लॉजिकली कुछ सुनाई देना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। 100% सवाल ही नहीं उठता। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाबा सर, गुड मॉर्निंग आपको। गाबा सर आज का पहला टॉप कॉल, अब गैप अप तगड़ा होगा तो आज हर स्टॉक मेरे ख्याल से मूव अच्छा दिखा रहा होगा, उसके बावजूद कौन सा स्टॉक जहां पे कन्विक्शन सबसे तगड़ा रन कर रहा है? कन्विक्शन है स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में है और वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है अगर गैप अप भी खुले ना तो अभी फिक्र नहीं है। ट्रेड कर रहा है 1459 पर, 1460 पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो टारगेट है कम से कम मुझे 1550 से 1600 दिखाई दे रहा है, तो अगर गैप अप भी खुलता है ना कोई बात नहीं, स्टॉप डीप रखिए, क्वांटिटी कम रखिए, ले जाएगा ऊपर। लेकिन आज भी मिलता है, आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा, तो ध्यान देना चाहिए इंडसइंड बैंक पे जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी है। तो मेरा टारगेट ट्रेडिंग के हिसाब से करीब 1600-1650 का है। ओके, इंडसइंड बैंक, गाबा सर का डिस्क्लेमर इनके पोर्टफोलियो में है। और गाबा सर थैंक यू सो मच इतने काइंड वर्ड्स के लिए। खैर आप इस चैनल के सबसे बड़े फ़ैन रहे हैं और सबसे बड़े दोस्त भी रहे हैं इस चैनल के, और इसीलिए हम सब आपकी इतनी इज्जत भी करते हैं ऑब्वियसली। लेकिन थैंक यू सो मच फिर से एक बार मेरी तरफ से भी। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए, आप बड़े गैप अप के बाद कोई स्टॉक चेज करेंगे क्या? जी, बड़े गैप अप के बाद चेस करना थोड़ा मुश्किल तो रहेगा, बट नेवरदलेस एक काउंटर जिसपे पॉजिटिविटी बनी रहने की उम्मीद है और जिसको हमने इलेक्शन पिक में भी सबसे पहला इलेक्शन पिक के तौर पे दिया था, दैट इज एलएनटी। तो मैं अपनी नजर एलएनटी पे रखूंगी। एलएनटी के जून के फ्यूचर जो है 3670 के करीब है, और अगर हम इसमें गैप अप के साथ अगर 3800 पे भी खुलते हैं, 3750, 3800 पे भी खुलते हैं, तो हम जहाँ पे खुलेंगे वहां से हम अगर 50 रुपीज का एसएल लगाए है, से फॉर एग्जाम्पल 38 के आसपास खुलते हैं, 3750 का एसएल लगाए है, तो ऊपर वाली साइड पे 3860, 3870 तक जाने की उम्मीद रहेगी, जो इसका प्रीवियस हाई भी था वहां पे दोबारा टच करे ऐसी उम्मीद रहेगी। तो इलेक्शन सिलेक्शन में भी पिक दिया था और आज जब लाइकली की वर्डिक्ट कैसा रहेगा उसका अपडेट आ चुका है। लार्सन एंड टूब्रो ही वही स्टॉक है जिस पर रचना जी फिर दाव लगाना चाहती हैं। बैती साहब कह रहे थे आज का एक शॉर्ट कॉल देना चाहते हैं। बैती साहब गुड मॉर्निंग, ऐसा है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी वेलकम बैक। नहीं आशीष जी, शॉर्ट कॉल तो शायद फिर मेरा ही लास्ट डे रहेगा भाई। आज का पिक कौन सा? जी। बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। गैप अप के बाद भी इसे चेज किया जा सकता है जिस हिसाब का सेटअप बना हुआ है, और हमें लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है, 20 डे वहां के पास अभी खड़ा है, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से इमिनेंट है इसमें। तो 260 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। पहला जो टारगेट है 270 एंड 275 के, दो टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर हो गई आशीष भाई जी की पिक। और आशीष की जुगलबंदी, खैर हम ये सब जानते हैं, वो थोड़ी सी टांग खींच रहे थे आपके, लेकिन कोई नहीं। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपके ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो सेक्युलर ट्रेंड्स यहाँ पर बने हुए हैं, मुझे लग रहा है वहां पर अगर थोड़े से पुलबैक्स भी आते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग साइड। सो मुझे लग रहा है वहां पर एसबीआई का जो ट्रेंड रहा है पिछले कुछ महीनों का, वो काफी कंसिस्टेंट रहा है। इनफैक्ट इस पूरे इवेंट के पहले जिस तरीके से एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है 820 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक काफी फर्म बेस इसने एस्टेब्लिश किया है। एंड ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक वीकली चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते में एस्टेब्लिश हुआ था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा ड्यूरेबल होगा। एंड अगर थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी होती है तो मुझे लग रहा है 820 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। तो मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरली 920 से लो लेके 950 के लिए वेल पोजिशन है। तो आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से जो टारगेट्स मैंने पिछले हफ्ते निकाले थे, मुझे लग रहा है 855 से लेके 865 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए एसबीआई में। तो अगर मौका मिलता है तो जरूर मोमेंटम को चेस करें। स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 825 के आसपास प्लेस्ड है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। बट अगर गैप अप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, अगर 860 के आसपास अगर ओपन हो जाता है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कूल ऑफ के लिए वेट करें एंड उसके बाद पोजिशन लें। बिल्कुल ठीक। दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
मानस, गुड मॉर्निंग मानस, आज का टॉप कॉल साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, BHEL में खरीदारी करनी है, स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 20 डे मूविंग एवरेज पे समय बिताया, रिकवरी पिछले जो लास्ट सेशन था उसमें देखने को मिली, 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, वॉल्यूम्स बेहतर थे, आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हुआ है। तो पिछले हाई 320 रुपए वही टारगेट रहेंगे, अगर गैप अप भी देखने को मिले तो 295 पे अगर आपको रिवर्ड आपके फेवर में हो तो BHEL में खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पर आप 320 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंडिया विक्स मॉर्निंग में आज क्रैश हो जाए तो प्रीमियम को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, तो इसलिए ऑप्शन में से सिर्फ थोड़ा दूर मॉर्निंग में रहिए, लेकिन कैश में या फ्यूचर में आप BHEL में एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ओके, कैश या फ्यूचर्स में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, मैं मयूरेश पर आऊँ, से पहले एक बार प्रकाश जी हमारे साथ बैठे हैं, प्रकाश जी एक आपको हम शुक्रिया बोलें, उससे पहले एक व्यू मुझे चाहिए था आपसे। कुछ देर में हम ऑटो सेल्स डिस्कस करेंगे, ऑटो सेल्स देखने के बाद और ये GDP वगैरह नंबर्स देखने के बाद अगर एंसिलरी स्टॉक कोई लेना हो तो कौन सा होगा? तो एंसिलरी स्टॉक्स में मतलब ऑटो नंबर्स से पहले देखिए कि झलक किस चीज की पॉजिटिव हो रही है, वो है कमर्शियल व्हीकल साइड में है ना, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स चलना जब शुरू होंगे तो आपके जो बड़े कंपनीज हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है जिनका सप्लाई साइड में एंसिलरी, तो एक ऑटो एक्सेल है और एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर बहुत लंबे समय से मेरे पोर्टफोलियो में भी इसका समावेश है। ऑटो एक्सेल्स को देखेंगे तो ग्लोबल प्ले था, डोमेस्टिक प्ले भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक वाला जो बिजनेस है वो और प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। सो आई वुड बिलीव जो जिस टाइप के ट्रक्स और बसेस और टिपर्स और ये सब जब बिकना शुरू होंगे आगे 6-8 महीने में, आपको इस टाइप की कंपनीज में ऑर्डर बुक जो है वो बहुत रोबस्ट होती हुई दिखेगी। तो आई वुड बिलीव, और ये ना कुछ खास ज्यादा चला नहीं है इसलिए इसमें वैल्यूएशन कम्फर्ट भी आपको मिल जाएगा, जनरली बात होती नहीं है इस स्टॉक की, बट ऑटो एक्सेल्स वुड प्रोबेबली बी अ वेरी की बेनिफिशियरी, और लेकिन ये 2-3 महीने बाद इसके नंबर्स में आपको झलकना शुरू होगा। सो वाला स्टॉक 1900 पे ट्रेड कर रहा है और इसके बड़े ग्राहकों में सबसे प्रोमिनेंट तो अशोक लेलैंड, जिसके नंबर्स वाकई स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। रखिए ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक दीवान साहब के जो रडार पे। दीवान साहब, थैंक यू सो मच, एक इंपॉर्टेंट दिन सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। मयूरेश के पास चला जाए, टॉप कॉल की कड़ी को कंप्लीट करा जाए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग साहब, आज का प्रिफर्ड टेक्नो फंड आइडिया कौन सा? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें मार्केट्स विद इंडिया में पावर एज अ थीम अच्छी लग रही है, एंड दिस विल कंटिन्यू इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और इसलिए HPL इलेक्ट्रिक, ये जो मिड कैप पावर एंसिलरी स्टॉक है, ये काफी पसंद आ रहा है। 3-4 की रीजंस, एक जो मीटरिंग सॉल्यूशन, यानी जो हम स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट 20 से 25 करोड़ मीटर्स की टेंडरिंग कर सकता है वेरी वेरी एग्रेसिवली इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। यू हैव ऑलरेडी सीन गुड मूव्स इन जीनस पावर एज एन एग्जांपल, टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों में HPL भी चला है, बट HPL का एक 20% का मार्केट शेयर है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर मार्केट में, और आई थिंक जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज इनकी साथ और जो केटर करती है एक्सक्लूसिवली टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक मीटर्स, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा टेलवेंड रह सकता है कंपनी के लिए। आउटसाइड दैट, आई थिंक जो इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स में इनकी एक मार्केट लीडरशिप है, जो स्विचेस मार्केट में एक लीडरशिप है, और जो LED मार्केट इंक्लूडिंग वायर्स एंड केबल्स और ये फैंस में भी फोरे कर चुकी हैं, आई थिंक दे आर ऑल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि आई थिंक ये सारे ग्रोथ सेक्टर्स हैं अगले 3-4 वर्षों के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी तगड़ा है, 900 डीलर्स हैं, 80,000 के ऊपर रिटेलर्स हैं, और जो हम एक बैलेंस शीट डायनेमिक्स के हिसाब से बात कर सकते हैं, जो बेटा मार्जिन में एक्सपेंशन पिछले वर्ष देखा गया था, एक्सपेंडेड टू 13.2%, हमारे अनुमान में EBITDA मार्जिन शुड एक्सपेंड इवन फर्दर, जो ROEs को सपोर्ट करेगी, और ROE का एक्सपेंशन एंड EPS एक्सपेंशन कैन बी सिग्निफिकेंट। तो EPS RS रेटिंग इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, आई एम प्रीटी श्योर इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो स्टार्ट एट सम पॉइंट गेटिंग मोर एग्रेसिव इनटू दिस स्टॉक। तो हमें लगता है एक 18-20% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है विद अ स्टॉप लिस्ट है 365, विद बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। ओके, ये हो गया भाई मयूरेश, हाँ प्रिफर्ड पिक। क्विकली रैप अप कर दूं आज के सारे बेहतरीन टॉप कॉल्स, एक गैप अप के बावजूद जिन स्टॉक्स को हमारे एक्सपर्ट्स राइड करना चाहते हैं, इसको ऐसे देखिएगा और SLs ध्यान रखिएगा। गाबा सर इंडसइंड बैंक पे दाव लगा रहे हैं, 1600-1650 के लक्ष्य यहां पे देखने को मिलेंगे। रचना जी ने लार्सन एंड टूब्रो
इस पे दाव लगाया 3750 के SL के साथ। बहेती साहब कह रहे बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है, दमखम रहेगा स्टॉक में आगे भी, 260 के SL के साथ। सचिन राइट कर रहे हैं दिग्गज सरकारी बैंक SBI के साथ 825 का SL लगाइए, लक्ष्य आपकी स्क्रीन पे। मानस BHEL की बात कर रहे हैं 295 के SL के साथ तेजी का मन है। ध्यान रखिएगा सारे स्टॉक जो मेंशन हुए सब डोमेस्टिक, सब इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स हैं जो आज पूरे पैनल के रडार पे। इवन टेक्नो फंडा पिक भी आपकी स्क्रीन पे मयूरेश की तरफ से, HPL इलेक्ट्रिक जिसमें खरीदारी करी जा सकती है। चलिए भाई आज के सारे प्रेफर्ड स्टॉक्स हो गए, ऑटो सेल्स की चर्चा हो रही थी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।